कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11, ठीक है, एग्रीकल्चर कक्षा 11 एग्रीकल्चर कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैसों के गुण, वायुमंडलीय दाब और बायल का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले वायुमंडलीय दाब के बारे में बताएंगे। वायुमंडलीय दाब से पहले भी हम समझ लेंगे कि गैस के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले आप गैस जानते हैं, डू यू नो गैस? ठीक है, गैस के बारे में जानते हैं, द्रव्य। आपने इससे पढ़ा, इससे पहले पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या? मैटर। ये तीन टाइप से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक हमारा सॉलिड होता है, ठोस होता है, दूसरा हमारा लिक्विड होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है? गैस होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? गैस होता है। मतलब सॉलिड का मतलब क्या है? ठोस। लिक्विड का मतलब द्रव, और तीसरा क्या है हमारा? गैस है। ठोस द्रव के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गैस। गैस के बारे में आपको केमिस्ट्री के विषय में बताया गया होगा कि गैस पदार्थ का वह अंग है जिसके न आयतन निश्चित होता है न आकार निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये जिस बर्तन में भी भर दिए जाते हैं उसी बर्तन का भी ये रूप धारण नहीं करते। द्रव तो धारण करता है, बात समझिए, द्रव तो धारण करता है। अगर पानी को हम किसी गिलास में, गिलास का आकार ले लेगा, जग में भरते हैं जग का आकार ले लेगा, समझ गए, सिलेंडर में भरते हैं सिलेंडर का आकार ले लेगा, लेकिन गैस को सिलेंडर में भरने पर क्या गैस सिलेंडर का आकार लेगी? क्या हमें उसके बारे में कुछ पता है? क्या उसके अंदर गैस सिलेंडर के रूप में होगी या नहीं होगी? इसके अंदर कुछ भी निश्चित नहीं है। अभी हम यहाँ पे एक इत्र की बोतल को स्प्रे कर दें, यहाँ से केवल हम क्या करें, एक सेंट की शीशी से स्प्रे करें, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपका दरवाजे तक, आपके गेट तक, आपको सेंट की खुशबू आने लगती है। मतलब जो सेंट है, वो जो खुशबू है, वो पूरे कमरे में, पूरे हॉल में आपके क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। समझ गए, खुशबू जो है वो पूरे हॉल में हो जाए, फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है? गैस जो है पूरे ही इसमें वातावरण में आ जाती है, समझ गए। तो गैस जो है इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता। आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता। दैट्स क्लियर हो रहा है आपको? बोलो, टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है? जिस बर्तन में भी हम उसको भरते हैं वह उसका आकार या आकृति धारण कर लेती है। अब कहने का मतलब यह है, जैसे 14 लीटर का सिलेंडर है, उसमें 14 लीटर गैस भर दोगे तो वह उस आकार का, उस आकार में आप बनी जाएगी। लेकिन 14 लीटर के सिलेंडर में आप आधा लीटर गैस भरो तो क्या वो आकार धारण करेगी? नहीं करेगी, श्राम उसमें घूम जाएगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। बात समझ गए ना? तो आणविक सिद्धांत के आधार पर आपको यह समझाया गया होगा, गैस के अणु जो होते हैं बेहद ही अति सूक्ष्म गोल कणों के आकार से बनते हैं। समझ गए, कैसे बनते हैं? दृढ़ ठोस गोले होते हैं। आप समझिए, गैस के जो अणु होते हैं, बहुत जो छोटे छोटे, समझ गए, ये क्या होते हैं? दृढ़ ठोस गोले होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ ठोस गोले होते हैं गैस के अणु, अति सूक्ष्म आकार के होते हैं। और जिस बर्तन में सभी, जिस बर्तन में भरे जाते हैं, बर्तन के अंदर सभी दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं, गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। लेकिन जब ये गति करते करते एक दूसरे के काफी निकट आ जाते हैं तब इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। जब ये गति करते करते एक अणु दूसरे अणु के क्या आ जाते हैं? काफी निकट आ जाते हैं, तो एक अणु दूसरे अणु पर क्या लगा देता है? प्रतिकर्षण बल लगा देता है, दूर भगा देता है, जिससे इनकी गति और दिशा दोनों बदल जाती है, जिससे इनकी गति भी बदल जाती है अणुओं की और दिशा भी बदल जाती है। बात समझ गए? इसीलिए ऐसे गति किए, फिर ऐसे, इसीलिए इनकी इस गति को हम क्या कहते हैं? गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? ब्राउनियन गति कहते हैं, अनियमित गति, समझ गए? इसका दूसरा नाम क्या है? गति मतलब ब्राउनियन गति करते हैं।
जो गैस कण होते हैं वो कैसी गति करते हैं, ब्राउनियन गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। और चूंकि इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है उन लोगों के बीच की, और ये गति करते रहते हैं, इसलिए इनके बीच का जो लगने वाला आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, बहुत ज्यादा बल नहीं लगता, समझ गए, बिल्कुल नगण्य, मतलब जिसको गिना भी नहीं जा सकता, समझ गए, नगण्य बल लगता है एक दूसरे के बीच, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, बर्तन में, किसी बर्तन में गैस का दाब, किसी बर्तन में गैस का दाब, मान लिया हम किसी बर्तन में गैस भर दें, किसी बर्तन में गैस भरें, तब उसमें गैस का दाब आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दें, गैस का दाब कैसे बनेगा, किसी बर्तन में गैस का दाब आप आसानी से समझ सकते हैं, सिलेंडर सबके यहाँ है, सिलेंडर में आपने देखा है कि उसका न्यूजल दबाओ, गैस एकदम झर से ऊपर निकलती है, मतलब ये झर से ऊपर क्यों निकलती है, क्योंकि उस पर दाब पड़ रहा है ना, अभी तक वो न्यूजल के न्यूजल से वो बंद थी, अभी तक वो क्या थी, न्यूजल से क्या थी, बंद थी, लेकिन अब न्यूजल से बंद नहीं रह गई, न्यूजल से अब क्या रह गई, अब तो खुल गई ना, ओपन हो गई, अब तो जैसे आपने न्यूजल को दबा दिया, उसके पिन को दबा दिया, न्यूजल उसको अब एक रास्ता मिल गई आने के लिए, अभी तक तो उसकी सारे मार्ग बंद थे, सिलेंडर से निकल नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही आपने उसकी न्यूजल को पंप को पुश कर दिया तो उसका न्यूजल क्या हो गया, ओपन हो गया, अब उसको एक रास्ता मिल गया आने के लिए, और बड़ी प्रेशर से वो गैस वहां से निकलती है, इसका मतलब है वो बर्तन पे चारों तरफ से दबाव डाल रही है, अगर उसमें हम नीचे से छेद कर दें तो नीचे से भी निकलेगी जर से, समझ गए, जैसे कोई ट्यूब है, मेरे बात समझ ले, बर्तन की जगह पे आप कोई ट्यूब ले लें, आप कोई गुब्बारा ले लें और गुब्बारे में खूब कस के हवा भर लें, बस फटे ना, फिर आप गुब्बारे में चाहे जहां पे एक पिन से छेद कर दें, वही चाहे ऊपर कर दें, चाहे नीचे कर दें, चाहे दाएं कर दें, चाहे बाएं कर दें, मतलब चारों तरफ से हवा निकल जाएगी, चाहे जिस तरफ आप छेद कर दें गुब्बारे में, कोई एक गुब्बारा ले लें और उसमें खूब हवा भर लें, केवल गुब्बारा फटे ना, लेकिन खूब टाइट हो जाए, अब फिर उसमें कहीं से भी एक क्या कर दें, छेद कर दें, चाहे जिस दिशा में कर दें, उसी दिशा से क्या हो जाएगा, हवा एकदम झरझर थरथर थरथर क्या हो जाएगी, जाएगा और बड़ी प्रेशर से निकलेगी। इसका इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि बर्तन के अंदर जब कोई गैस भरी जाती है तो बर्तन की दीवारों पर भी क्या डालती है, दबाव डालती है, बर्तन की दीवारों पर क्या डालती है, दबाव डालती है, समझ गए, बात समझ में आई कि नहीं, एग्जाम्पल के तरीके से, अर्थात जो गैस होती है किसी गैस को किसी बर्तन में भरने पर, किसी गैस को किसी बर्तन में भरने पर अब अपनी अनियमित व सभी संभव दिशाओं में कंटिन्यू निरंतर ऐसे ऐसे गति करती रहती है, समझ गए, ऐसे गति करती रहती है, गति के कारण जो अणु होते हैं वो बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, समझ गए भाई, गैस तो है उसके अणु तो हमने बताया ना ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते हैं, और जब वो अनियमित गति करते हैं तो दीवार से टकराएंगे भी बर्तन की कि नहीं टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे, और जब ये बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो उनके द्वारा दीवार के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल लगता है, दीवार के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर एक आरोपित बल लगता है, और यह बल ही गैस द्वारा डाला गया दाब है, यह बल ही गैस द्वारा डाला गया क्या है, दाब है, क्लियर हो गया, ये इसे हम क्या कहेंगे, किसी बर्तन में गैसीय दाब, किसी बर्तन में क्या कहेंगे, गैसीय दाब कहेंगे, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो, अब जिस प्रकार से आपने एक बर्तन समझ लिया, ये हमारा बर्तन था, इसमें हमने क्या भर दिया, गैस, अब ये ऐसे ऐसे गति करते रहे इसके अणु, और ये दीवार से टकराए, दीवार से टकराए तो हमने मान लिया ये प्रति एक मिलीमीटर ही, एक नैनोमीटर ही, समझ गए, मान लिया ये वन नैनोमीटर एक एकांक क्षेत्रफल लिया और उससे ये टकराया आके, तो एकांक क्षेत्रफल हो गया 1 नैनोमीटर ना, तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर स्क्वायर, तो ये एकांक क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर ये टकराया, तो यहाँ पर टकराया, तो यहाँ पर दाब बल लगा नहीं, इनके लगा प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब बल कह रहा है, तो बल यहाँ पर लगा कि नहीं लगा, बोलो बल लगा नहीं लगा, जब ये बल लगा यहाँ पर, बात समझते रहिएगा, जब बल लगा उसी को हम गैस द्वारा डाला गया क्या कहेंगे, दाब कहेंगे, उसी को गैस द्वारा डाला गया कहेंगे हम दाब कहेंगे, इसे ही गैसी दाब कहेंगे, मान ले तो थी बर्तन की बात, अब हम बताते हैं वायुमंडलीय दाब,
अब बड़े स्तर पर बात करते हैं कि बर्तन वाला हमने आपको केवल समझाने के लिए किया था कि अगर बर्तन में दाब पड़ सकता है तो अगर वायुमंडलीय दाब कैसे नहीं पड़ सकता है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर लगभग 300 किलोमीटर तक गैस का ही घेरा है, वायु का ही घेरा है। मतलब ये अगर हमारी पृथ्वी है, इसको हम क्या मान ले, पृथ्वी मान ले, तो इससे लगभग इतनी ऊंचाई तक लगभग 270 से 300 किलोमीटर ऊंचाई तक इधर भी चारों तरफ ये सब क्या है आपकी वायु है। ये सब क्या है, वायु क्या है, मिश्रित गैसी तो है, कई गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है, कई गैसों का मिश्रण क्या कहलाती है, वायु कहलाती है। तो ये वायु है। अब समझ लें, जब बर्तन के अंदर वायु का दबाव पड़ रहा था तो क्या इतने ऊपर से ये जो वायु है ये पृथ्वी पर दबाव नहीं डाल रही होगी? बिल्कुल डाल रही होगी। जब बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ रहा था तो ये पृथ्वी पर भी वायु डाल रही, वायु जो है पृथ्वी पर भी क्या डाल रही होगी, दबाव डाल रही होगी। इसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे, लेकिन इसको समझेंगे पूरा, ये इतना छोटा टॉपिक ना है, समझ गए। तो यहाँ पर वायु जो है दाब डाल रही पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर तो बहुत सी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, हम हैं, आप हैं, समझ गए, पूरी दुनिया है पृथ्वी पर, कह सकते हैं जो पृथ्वी पर समाहित है। तो उन सारी वस्तुओं पर भी दाब पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा? सारी वस्तुओं पर दाब पड़ रहा होगा। तुम्हारे शरीर को छू करके हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है? निकल रही है ना। तो तुम्हारे शरीर पर भी हवा का दाब पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा? पड़ रहा होगा। अब हमें उसकी जरूरत रह गई काउंट करने की, क्या पड़ रहा है। तो ये जो दाब हमारा, ये तो समझ गया तुम्हारे शरीर के ऊपर दाब पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें कोई आभास हो रहा नहीं हो रहा है? अभी तुम्हारे ऊपर 50 किलो का वजन लाद दिया जाए तो तुम्हें दाब का आभास होगा? बिल्कुल होगा आभास। लेकिन ऐसे आपके ऊपर 15,000 किलो का जो वजन पड़ रहा है, इसका आभास हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्यों? आपके ऊपर 15,000 किलो का वजन पड़ रहा है, 15,000 किलोग्राम भार, किलोग्राम भार का आपके ऊपर वेट पड़ रहा है, वजन पड़ रहा है, लेकिन आप इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर आपके ब्लड में भी वायु घुली है, आपके शरीर के अंदर आपके ब्लड में भी वायु क्या है, घुली है, जिससे कि शरीर के अंदर का दाब और शरीर के बाहर से पड़ने वाली वायु का दाब, दोनों दाब आपस में संतुलित हो जाते हैं, जिससे कि हम बीच में हमारा जो शरीर है वो किसी भी दाब का अनुभव नहीं करता है। समझ गए, उसका कारण यह है क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो वायु है और हमारे शरीर के जो बाहर वायुमंडल की वायु है, दोनों के दाब, शरीर जो अंदर की वायु है वो बाहर की तरफ लगा रही है और जो बाहर की वो क्या लगा रही है, अंदर की तरफ लगा रही है, और दोनों दाब इक्वल हो गए हैं तो हमारे शरीर पर पड़ने वाला दाब न्यूट्रल हो जाता है, इसका परिणामी बल जीरो हो जाता है, इसीलिए हमको किसी भी दाब का आभास नहीं होता। समझ गए। चलिए, तो आपके बात रह गई, इसके बाद में हम वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं कि हमारे जो वायु का एक घेरा है किसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु का एक घेरा है, इस घेरे को ही हम क्या कहते हैं भैया, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इस घेरे को, वायुमंडल कहते हैं, समझ गए, एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसी घेरे को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्लाइमेट मत समझ लेना, क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है, समझ गए, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट में थोड़ा सा अंतर होता है, जलवायु का मतलब क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब ये वायुमंडल का क्या हो गया, घेरा हो गया, पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी से सतह से ऊपर जैसे आप जाते रहे तो आप कई मील तक, लगभग हमने बताया ना 270 से 300 किलोमीटर तक लगभग आपको वायु 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 की कई परतें मिलेंगी और इसमें भिन्न भिन्न गैसें मिलेंगी, क्योंकि वायु क्या है, गैसों का एक सम्मिश्रण है, समझ गए, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, बोलो, नाइट्रोजन पाई जाती है, उससे कम कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 72% पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21%, कितने हो गए, 99%, 1% जो गैसें रह गई वो 78% तो 99 हो गया ना, हाँ
सही है ना, 72 लिख दिया था सॉरी। तो 78% आपकी क्या पाया जाए, 78% नाइट्रोजन होता ही और 21% आपकी ऑक्सीजन हो गई, शेष में बची 1%, वो अपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना कि कौन कौन सी कैसे पाई जाए, समझ गए कि कौन कौन सी नियान है, मिशान है, और बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विभिन्न प्रकार की गैसे, हजारों गैसे, जितनी गैसे हैं इन दो गैसों को छोड़ के जितनी भी गैसे हैं वो कितने परसेंट पे है, 1% पे है, ठीक है, कितने परसेंट पे है, 1% पे है, ओके ना। तो ये सब गैसें और इन गैसों का मिश्रण ऊपर तक पाया जाता है, समझ गए, ये सब क्या और इन सबका मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा वायु कहलाता है, ठीक है। अब ये सब गैसें मिलकर पृथ्वी के ऊपर यहां पर ऐसे दाब लगा प्रेशर बना रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर ऐसे क्या लगा रही है, दाब लगा रही है, ज्यादा गोज पहुंच हो गया। ये सब गैसें मिलकर क्या, जैसे मान लो ये पृथ्वी, अभी हमने बताया ज्यादा थोड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा आपको सही कर दे रहे हैं, शांत रहे। देखिए ये हमारी क्या बताई हमने आपको, पृथ्वी बताई, अब ऊपर से जितनी भी ये गैसें हैं अभी बताई हमने आपको, ये गैसें यहां पर क्या डाल रही है, दबाव डाल रही है, सारी गैसें जितनी भी पड़ते हैं, अब वो चाहे ऊपर से डाले, हमने ऊपर से बना दिया, ऊपर से आपको समझ में आएगा, इधर से आपको समझ में नहीं आएगा क्यों दाब डाल रहा है, हम कहते हैं नीचे से भी दाब डाल रहा है, तो आप अगर नीचे से कैसे दाब डाल रहा है, नीचे से तो नीचे टपक जाएगा, लेकिन ऐसा ना है, समझ गए, चारों तरफ से, चारों तरफ से, बिल्कुल चारों तरफ से, समझ गए, चारों तरफ से गैस पे यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, आप किसी भी जाए, क्योंकि पृथ्वी का मैंने बताया क्या, चारों ओर वायुमंडल है, सॉरी पृथ्वी के किस कैसे वायुमंडल है, चारों तरफ वायुमंडल है, समझ गए, एक तरफ थोड़ा ना है, ऐसा थोड़ा ना ऊपर ऊपर वायु और नीचे नीचे जल है, समझ गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों तरफ के गति कर रही है ना, तो चारों तरफ से क्या है, और वायु में भार होता है, ये तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, एक फूला हुआ गुब्बारा और एक हल्का गुब्बारा, एक मतलब हवा भरा गुब्बारा और एक पिचका गुब्बारा, दोनों गुब्बारों को आपस में तौल ले तो हवा वाला गुब्बारा ज्यादा वजन होता है, समझ गए, एक खाली ट्यूब एक हवा भरा हुआ ट्यूब, हवा वाला ट्यूब ज्यादा वजन होगा, समझ गए। तो ये तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं ये प्रैक्टिकल कि वायु में क्या होता है, भार, और जब इसके ऊपर वायु है, जब इसके ऊपर वायु है तो इसमें वायु में भार है कि नहीं, और वो भार जाएगा कहां, सीधी सी बात है, भार कहां जाएगा, तो ये सब नीचे मिलकर क्या डालती हैं, दाब डालती हैं, इसी दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, इसी दाब को हम क्या कहते हैं, विभिन्न गैसों द्वारा पृथ्वी के ऊपर डाला गया दाब या वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, पृथ्वी के तल के इकाई क्षेत्रफल पर लंब रूप से पड़ने वाले वायु के भार को, समझ लीजिए इकाई क्षेत्रफल मतलब एकांक क्षेत्रफल, इसके एकांक क्षेत्रफल मान लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, एकांक क्षेत्रफल क्या मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर है ये ए, समझ गए, इतना एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर पर पड़ने वाला लंबवत, लंबवत समझ गया, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, 90° के कोण पर सीधे सीधे, समझ गए, 90° पर पड़ने वाला ये बल, लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और दाब का सूत्र क्या होता है, दाब को पी कहते हैं, एफ बटे होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ये गलत है, ठीक है, क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ बटे होता है, सॉरी P is equal to क्या होता है, F बटे A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और जो एकांक दाब लग रहा है, ये एकांक जो बल लग रहा है एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे, दाब जो वायुमंडली, वायुमंडली के द्वारा जो सीधे सीधे आपका लंब रूप में बल लग रहा है एकांक क्षेत्रफल पर, वही क्या है, दाब है, समझ गए। वैज्ञानिक माप के अनुसार पृथ्वी तल पर वायुमंडल का दाब 1 किलोग्राम माप, समझ गए, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या इस पर जो लगने वाला भार होता है, समझ लें 10^4 किलोग्राम भार प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, या 10^5
5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? 10^5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 10^5 क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या कहीं कहीं पर यह भी लिखा होता है 1 किलोग्राम भार कितना? 1 किलोग्राम भार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के होता है। समझ गया? पृथ्वी पर यदि 1 किलोग्राम भार का है तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 10^4 किलोग्राम भार का है तो प्रति मीटर स्क्वायर, 10^5 का है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए? किलोग्राम भार और न्यूटन में अंतर है। बात समझ गए? क्लियर हो गई वायुमंडलीय दाब की? और इसका फार्मूला वही रहेगा, P=hdg। इससे भी निकालेंगे कि कोई गैस मान लो कितनी ऊंचाई पर है, उसका घनत्व तो इतना है, तो वो कितना दाब डालेगी। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा ना। कोई कहे मान लिया हम 20 मीटर ऊंचाई पर कोई स्थित गैस है और 20 मीटर ऊंचाई से अगर उसका घनत्व तो इतना है तो और गुरुत्वीय त्वरण इतना है तो कितना दाब डालेगी, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे हम। P=2 क्या निकलेगा? HdG। और HdG इसका तो मात्रक जानते ही हो, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताया ना। दाब का मात्रक क्या बताया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। CGS में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पास्कल नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। इसलिए दाब का मात्रक दूसरा क्या होता है? पास्कल भी होता है। एक पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जानते हैं ना। अच्छा, इसके बाद में आता है, एक वैज्ञानिक थे इटली के वैज्ञानिक टोरिसोली, ठीक है। अब इसके बारे में वायु दाब मापी, 14 का बैरोमीटर, ये सारे पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में जो साधारण वायुमंडली दाब मापी बनाए गए हैं, वायु दाब मापी जो भी है, जैसे आपका आता है एक साधारण वायुमंडली दाब मापी, 14 बैरोमीटर, नित्रो बैरोमीटर, ठीक है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है लेक्चर प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगे।